हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थी लाइफ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक लीवर एंड एंजाइमिन टॉनिक के बारे में। जानेंगे आप अपने किन किन समस्याओं को दूर करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही इसकी डोज क्या है, सेवन विधि क्या है, क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, पूरी जानकारी लेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको मेडिसिन से रिलेटेड जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल हेल्थी लाइफ को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। साथ ही वीडियो अच्छे लगने पर लाइक कमेंट शेयर जरूर से कीजिएगा। इसका नाम सीव लिप प्लस है और यह 200 ml की पैकेजिंग में आती है। शुगर फ्री सिरप है। यह डाइजेस्टिव एंड लिवर टॉनिक है। फ्रेंड्स, अब इसकी यूजेज की बात करते हैं, आप अपने किन किन समस्याओं को दूर करने के लिए इस टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हेपेटाइटिस की शिकायत है, जॉन्डिस की शिकायत है, यदि आपको भूख ठीक से नहीं लगती है, लीवर में दिक्कत बनी हुई है, तो उस स्थिति में डॉक्टर ज़्यादातर इस सिरप का इस्तेमाल किया करते हैं। आप उस समय यह सिरप लेंगे तो आपको काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। शरीर दुबला पतला है, कमजोरी सा महसूस होता है और ज़्यादा खाना खा नहीं पाते हैं, और जो खाते हैं वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, उस स्थिति में आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि काफ़ी दिनों से बुखार की शिकायत है, पुराना बुखार की शिकायत है और ठीक से आराम नहीं हो रहा है, उस स्थिति में भी डॉक्टर इस लिवर टॉनिक का इस्तेमाल करते हैं। यदि खाया हुआ खाना ठीक से पाचन नहीं होता है और शरीर दुबला पतला बना हुआ है, तो इस सिरप का इस्तेमाल आप एक बार ज़रूर से करके देखें। लीवर को हेल्थी बनाए रखने के लिए, फैटी लीवर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, शरीर में इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए डॉक्टर ज़्यादातर इस सिरप का इस्तेमाल किया करते हैं। अब इसकी डोज की बात करें तो फ्रेंड्स, एडल्ट यानी बड़े लोगों में दिन में दो बार सुबह और शाम खाना खाने के बाद इसमें एक एक ढक्कन 10-10 ml ले सकते हैं। बच्चों में वेट के अकॉर्डिंग डॉक्टर डोज तय करते हैं, बताते हैं। फ्रेंड्स, इस सिरप से होने वाले साइड इफेक्ट की बात करें तो ज़्यादातर किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फिर भी इसे लेने के बाद यदि आपको किसी तरह की कोई समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है, तो सिरप को लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।